हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी प्रवेशिका में लेसन नंबर 6। आप देख सकते हो लेसन नंबर 6 में दिया है शब्दों का अभ्यास, यानी के स्टडी ऑफ वर्ड्स। तो चलो देखते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे दिया है पढ़ो और समझो, रीड एंड अंडरस्टैंड, मतलब हमको पढ़ना भी है और समझना भी है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ताला, क्या बोलते हैं इसको, ताला। ओके, अब ये वाला देखेंगे, ये क्या दिया हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर, बकरी, यानी के बकरी। अभी इसको देखेंगे, क्या दिया है यहाँ पे, धनुष, धनुष। ये चूहा, चूहा। ये घोड़ा, घोड़ा। अभी ये देखेंगे, ये क्या लिखा है यहाँ पर, घड़ी, क्या लिखा है यहाँ पे, घड़ी। छाता, तोता। डाकिया, नारियल। ओके, अभी ये देखा। अब आप देख सकते हो टू नंबर पर ऊपर दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर नीचे दिए गए चित्रों के सामने लिखो। मीन्स के यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, यानी कि कुछ चित्र दिए हुए हैं, वो चित्रों को आपको देखना है और समझना है। और उसमें यहाँ पर ये जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से चुनकर आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि ये किसका पिक्चर है, घड़ी, किसका पिक्चर है ये, घड़ी। तो यहाँ पे घड़ी का लिखा हुआ है, ये रहा, तो हम इसको ऐसे टिक करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे घड़ी। ओके, अभी ये सेकंड नंबर, ये किसका पिक्चर है, तोता, किसका पिक्चर है ये, तोता। तो तोता कहाँ लिखा हुआ है, चलो देखते हैं, ये रहा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे तोता। ओके, अभी ये देखेंगे, ये किसका पिक्चर दिया हुआ है, चलो देखते हैं, नारियल का पिक्चर है ये, यस, नारियल कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, चलो लिखेंगे नारियल, नारियल। अभी ये किसका पिक्चर है, डाकिया, किसका पिक्चर है ये, डाकिया। तो डाकिया कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, डाकिया, डाकिया। अभी ये किसका पिक्चर है, बकरी, किसका है ये, बकरी। बकरी कहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ये रहा, तो यहाँ हम राइट करेंगे बकरी। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये किसका पिक्चर है, घोड़ा, किसका पिक्चर है ये, घोड़ा। तो यहाँ पे घोड़ा कहाँ लिखा हुआ है, देखो आप कहाँ लिखा हुआ है घोड़ा, ये रहा, तो हम राइट करेंगे घोड़ा। अब ये किसका पिक्चर है, छाता, किसका पिक्चर है ये, छाता। छाता कहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा, यहाँ हम राइट करेंगे छाता, तो हमने लिख दिया है यहाँ पे छाता। अभी ये किसका पिक्चर है, चूहा, चूहा कहाँ लिखा है यहाँ पर, ये रहा, चूहा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूहा। अभी ये किसका पिक्चर है, ताला, ताला। तो ताला कहाँ पर है, ये रहा, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ताला। अभी
आप देख सकते हो ये किसका पिक्चर है, धनुष। धनुष कहाँ पे लिखा है, ये रहा तो धनुष। सो कंप्लीट कर दिया आज हमने ये, एक बार और देखेंगे, फिर से देखेंगे किसका पिक्चर है ये, घड़ी। तो यहाँ पे हमने लिखा घड़ी, ये तोता, यहाँ पे हमने लिखा है तोता, ये नारियल। आप देख सकते हो यहाँ पे नारियल लिखा है हमने। अभी ये डाकिया, तो हमने डाकिया लिखा है। बकरी का पिक्चर है तो हमने बकरी लिखा है। घोड़ा, तो हमने यहाँ पे घोड़ा लिखा है। छाता, तो छाता भी लिख दिया। ये चूहा, तो चूहा लिखा है हमने। ताला, ताला लिखा है। धनुष, देख सकते हो आप यहाँ धनुष भी लिख दिया है। ओके, अभी आप नीचे देख सकते हो ऊपर दिए गए चित्रों के नाम नीचे क्रम से लिखो। मीन्स के यहाँ पे जो हमने लिखा है वो अब हम यहाँ राइट करेंगे क्रम में लिखे हुए। जैसे कि पहले घड़ी लिखा है तो पहले हम यहाँ घड़ी लिखेंगे, फिर यहाँ तोता है तो यहाँ तोता लिखेंगे, यहाँ नारियल है तो यहाँ नारियल लिखेंगे, यहाँ डाकिया दिया हुआ है तो हम यहाँ डाकिया लिखेंगे, यहाँ बकरी लिखी है तो हम यहाँ पे बकरी लिखेंगे। वैसे ही नीचे वाली लाइन, घोड़ा लिखा है तो यहाँ पे हम घोड़ा लिखेंगे, छाता दिया हुआ है तो यहाँ पे हम छाता लिखेंगे, चूहा दिया हुआ है यहाँ पे तो यहाँ पर हम चूहा लिखेंगे, ताला तो हम यहाँ पे ताला लिखेंगे, धनुष तो हम यहाँ पे धनुष लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं हम, पहला क्या दिया हुआ है, घड़ी, तो घड़ी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तोता, तो तोता लिखेंगे हम, तोता, ठीक है। अब किसका पिक्चर दिया हुआ है, नारियल, तो यहाँ पे हम नारियल, नारियल लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाकिया, तो यहाँ हम डाकिया लिखेंगे। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बकरी, तो यहाँ हम बकरी लिखेंगे। ओके, अब देखेंगे हम नीचे वाली लाइन, नीचे वाली लाइन में हम देख सकते हैं अब ये वाली लाइन जो इसके सामने दी हुई है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले किसका है, पहले यहाँ पर आप देख सकते हो किसका पिक्चर दिया हुआ है, घोड़ा, और यहाँ पे लिखा भी है घोड़ा, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे घोड़ा। घोड़ा, ओके। अभी उसके बाद किसका पिक्चर है, छाता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे छाता, ठीक है। अब आप देख सकते हो किसका पिक्चर दिया है यहाँ पर, चूहा, तो यहाँ हम लिखेंगे चूहा। अब ये किसका पिक्चर है, ताला, और यहाँ पे लिखा हुआ है ताला, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ताला। किसका पिक्चर है ये, धनुष का, तो यहाँ हम लिखेंगे धनुष। जैसे कि आपने देखा, जैसे कि आपने देखा लेसन नंबर 6 शब्दों का अभ्यास, स्टडी ऑफ वर्ड्स, उसमें आज हमने फर्स्ट वाला पॉइंट देखा, पढ़ो और समझो, ऊपर दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर नीचे दिए गए चित्रों के सामने लिखो, वो भी कंप्लीट किया हमने, और थर्ड नंबर पर ऊपर दिए गए चित्रों के नाम नीचे क्रम से लिखो। तो ये हमने आज कंप्लीट किया, पहले लिखा, पहले पढ़ा, फिर उसको समझा, और फिर हमने यहाँ पे और यहाँ पे लिखा।
अब हम देखेंगे चार नंबर, पढ़ो और समझो। क्या दिया है यहाँ पर? पढ़ो और समझो। जैसे कि हमने फर्स्ट नंबर पे किया था पढ़ो और समझो, पढ़ा था और समझा था, वैसे ही हम इसको भी देखेंगे पढ़ो और समझो। चलो देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। अ ना र, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनार। अभी इसको देखेंगे ये क्या लिखा है यहाँ पे। गी ला स, तो क्या होगा ये? गिलास। अभी ये देखो ईंट, तो इसका क्या बनेगा? ईंट। ये देखेंगे अभी हम यहाँ पे क्या लिखा है। ड म रू, तो क्या होगा इसका? डमरू। त रा जू, तो क्या बोलेंगे हम इसको? तराजू। रे डी यो, क्या बोलेंगे? रेडियो। प ल ग, तो क्या होगा इसका? पलंग। त र बू ज, तो क्या बोलेंगे हम इसको? तरबूज। मो र, तो मोर। प त ग, यानि के पतंग। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो लिखे हुए थे उनको हमने पढ़ा। ये है अनार, ये गिलास, ईंट, डमरू, तराजू, रेडियो, पलंग, तरबूज, मोर, पतंग। ठीक है, अब हम यहाँ पांच नंबर पे दिया हुआ है, ऊपर दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर नीचे दिए गए चित्रों के सामने लिखो। मीन्स के ये जो पिक्चर्स दिए हैं, ये जो चित्र यहाँ पे दिए हैं और यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से ढूंढ के हमको लिखना है। मतलब हमको पिक्चर को समझना है और फिर उसके सामने जो पिक्चर है उसका नाम यहाँ पे राइट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो ये किसका पिक्चर है? पतंग का पिक्चर है और ये है मोर का पिक्चर। या तो जैसे ये मोर का है और ये पतंग का पिक्चर, तो आपको पिक्चर तो पता चल गई कि ये किसका पिक्चर है। तो अब ये मोर का पिक्चर है तो हम यहाँ क्या ढूंढेंगे इसमें से? मोर, तो मोर का लिखा हुआ है ये रहा, तो हम यहाँ पे मोर लिखेंगे। जैसे कि ये पतंग का पिक्चर है तो पतंग का लिखा हुआ है ये रहा, तो यहाँ पे हम पतंग राइट करेंगे। तो चलो लिखते हैं, किसका पिक्चर है ये? मोर, तो ये रहा मोर, यहाँ पे हम राइट करेंगे मोर। अभी ये किसका पिक्चर है? तराजू, किसका है ये? तराजू, तो तराजू कहाँ लिखा हुआ है? चलो ढूंढते हैं, ये रहा तराजू, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे तराजू। ठीक है, अभी ये किसका पिक्चर है? गिलास, किसका है? गिलास, गिलास कहाँ पे लिखा है? देखेंगे, ये रहा, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे गिलास। ओके, अभी ये किसका पिक्चर है? अनार, किसका है ये? अनार, अनार कहाँ लिखा हुआ है? देखो आप ढूंढो, ये रहा अनार, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे अनार। ठीक है, अब इस पिक्चर को देखो आप, ये किसका पिक्चर है? तरबूज का पिक्चर है ये। अभी तरबूज कहाँ पे लिखा हुआ है? ढूंढो इसमें से, ये रहा तरबूज, तो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे तरबूज। अब यहाँ आगे देखेंगे,
अब इस पिक्चर को देखो आप, ये किसका पिक्चर है? देखा है आपने कभी ये पिक्चर? किसका है ये? पतंग। किसका पिक्चर है ये? पतंग। तो पतंग कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा पतंग, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पतंग। अब ये किसका पिक्चर है? ये पता है आपको किसका पिक्चर है? ये रेडियो। किसका पिक्चर है? रेडियो। तो रेडियो यहाँ पे कहाँ लिखा है? चलो ढूंढो कहाँ लिखा है यहाँ पे रेडियो। ये रहा रेडियो, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे रेडियो। लिखा हमने यहाँ पे रेडियो। अभी ये किसका पिक्चर है? ये तो आपको पता ही होगा। किसका है ये? डमरू का। किसका पिक्चर है ये? डमरू का। तो आप देख सकते हो डमरू ये लिखा है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे डमरू। ये भी पता होगा आपको, इस ये पिक्चर किसका है? किसका है ये? पलंग। तो पलंग कहाँ पे लिखा हुआ है? चलो ढूंढते हैं, मिला? हाँ, ये रहा पलंग, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे पलंग। लिखा हमने पलंग। अभी ये किसका पिक्चर है? ईंट। किसका है ये? ईंट। ये रहा ईंट, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे, पिक्चर को देखेंगे और ऊपर से देख के राइट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे ईंट, ठीक है। अब एक बार और देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने पढ़ो और समझो यानी रीड एंड अंडरस्टैंड को देखा, तो यहाँ पे क्या लिखा है? अनार, गिलास, ईंट, डमरू, तराजू, रेडियो, पलंग, तरबूज, मोर, पतंग। आठ नंबर हमने चार नंबर हमने कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे पाँच नंबर। पाँच नंबर में दिया हुआ है ऊपर दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर नीचे दिए गए चित्रों के सामने लिखो। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए थे और ऊपर शब्द दिए हुए थे, तो हमने ढूंढ के लिखे यहाँ पर। अभी ये था मोर का पिक्चर, तो हमने मोर लिखा था। तराजू का था तो हमने तराजू लिखा था। गिलास का पिक्चर था तो हमने गिलास को लिखा था। अनार का पिक्चर था तो हमने अनार लिखा। तरबूज का पिक्चर था तो हमने तरबूज लिखा। वैसे यहाँ पर ये किसका पिक्चर है? पतंग का, तो हमने यहाँ पे पतंग लिखा। रेडियो के सामने हमने रेडियो लिखा। डमरू के पिक्चर के सामने हमने डमरू लिखा। पलंग के सामने हमने पलंग लिखा और ईंट के पिक्चर के सामने हमने ईंट लिखा। अब वैसे ही हम छः नंबर यानी नंबर सिक्स, ऊपर दिए गए चित्रों के नाम नीचे क्रम से लिखो। मीन्स के यहाँ पे जो चित्रों के नाम दिए हुए हैं, जैसा कि हमने आगे वाले पेज पे किया था, पेज नंबर 18 पे, पेज नंबर 18 पे किया था हमने, वैसे ही हमको यहाँ पे भी लिखना है, लेकिन क्रम में। वो भी हमने क्रम में लिखा था, तो इसको भी हमको क्रम में ही लिखना है। जैसे कि मोर है तो पहले मोर लिखेंगे, तराजू है तो फिर तराजू लिखेंगे, गिलास है तो गिलास लिखेंगे, अनार है तो अनार लिखेंगे, तरबूज है तो तरबूज लिखेंगे। वैसे ही हमको लिखना है, तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला किसका पिक्चर है? देखो किसका पिक्चर है, पहले मोर का है, तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? मोर। लिखा हमने मोर, ओके। अब देखो दूसरा किसका पिक्चर है? तराजू। किसका है? तराजू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तराजू। लिखा हमने ये तराजू लिखा। अब देखेंगे किसका पिक्चर है उसके बाद? गिलास है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिलास। ठीक है, अब किसका पिक्चर है ये? अनार का, यहाँ पे अनार लिखा है, तो यहाँ हम लिखेंगे अनार।
फिर देखेंगे। ये किसका पिक्चर है? तरबूज, यहाँ पे तरबूज लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर भी तरबूज लिखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर इस वाले को, अब हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले क्या दिया है, पतंग, तो हम यहाँ पे पतंग लिखेंगे। पतंग, ओके। अभी उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे, रेडियो, क्या दिया है, रेडियो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियो। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, डमरू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डमरू। फिर क्या दिया है यहाँ पे, पलंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पलंग। फिर यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ है, ईंट का पिक्चर दिया हुआ है और ईंट भी लिखा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ईंट। तो देखा आपने, किया हमने ये कंप्लीट, ऊपर दिए गए चित्रों के नाम नीचे क्रम से लिखो, लिख दिया हमने। तो पहले क्या लिखा, मोर, तराजू, गिलास, अनार, तरबूज, पतंग, रेडियो, डमरू, पलंग और ईंट। तो जैसे कि आप देख सकते हो आज हमने लेसन नंबर 6 में शब्दों का अभ्यास, स्टडी ऑफ वर्ड्स में, पेज नंबर 18 और पेज नंबर 19 को कंप्लीट किया। तो इसको आपको घर पे क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको भी अपने आप से लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है, वैसे ही आपको घर से लिखना है। ओके।